बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ बकार अली, आप देख रहे हैं मक्का प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया था सादी गार्डन पे, सादी गार्डन ब्लॉक 1 पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये कॉर्नर का घर था जो मैं आपको अभी विज़िट करवा रहा हूँ। ये इंशाल्लाह इसको मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये घर जो है वो है 165 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू घर है। तो ये घर दिखाना था, अब इसके अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल आपको ये बता दूँ कि ये कॉर्नर का घर है और 165 गज़ का ये घर है। तो जिस भाई को चाहिए तो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे दिए जाने हैं, उस पर आप ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छी डील मिल जाएगी। और ये मुनासिब कीमत पे है क्योंकि 165 या 120 गज़ के यहाँ पर जो घर चल रहे हैं सादी टाउन के अंदर, वो भी तकरीबन 250 तक के रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाएगा। गार्डन में है, एक्स्ट्रा लैंड के साथ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये घर का गेट इस तरफ क्यों निकला हुआ है, इस तरफ क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये बड़ा रोड है। सामने इसके मस्जिद है बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने है बिलाल मस्जिद, ये ब्लॉक 1 कहलाता है सादी टाउन का, बिल्कुल उसके सामने है। अब इस तरफ ये इसने इसीलिए ये गेट नहीं दिया कि इसने जो शॉप्स होती है ना, लोग अक्सर जब आबादी ज़्यादा हो जाती है तो शॉप्स की प्लानिंग कर लेते हैं। तो इस तरह इसने ये लोकेशन के हिसाब से इसने अच्छा सा एक सेटिंग से घर बनाया है, क्योंकि लाजमी है जिस भाई को इन्वेस्टमेंट रहने के साथ साथ बिज़नेस करने का भी शौक़ हो तो यहाँ पे आराम से बिज़नेस कर सके। क्योंकि एक सेपरेट छोटा सा भी गेट दे दिया है, वो भी है, इसमें 3 दुकानें आराम से निकल सकती है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ, अंदर भी आपको विज़िट करवाता हूँ। तो चलते हैं अंदर, चाहिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे कारपोश आ गया, ये आप कारपोश देख सकते हैं। इसके ये नीचे टैंक है और इसके साथ साथ ये इसके मशीन वगैरह रखने की जगह है। एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और एक अंदर घर का दरवाज़ा है। हम अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका बड़ा लाउंज आ गया, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये किचन हो गया, ये देख सकते हैं। और इसका ये लाउंज भी हो गया, लाउंज भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको एक बिल्कुल अच्छी सी अलमारी की तरह लगा जाएगा। एक बेडरूम ये हो गया। अब इसमें ना आप ये जो नीचे जो ये है बेडरूम, ये छोटे इसीलिए हैं क्योंकि ये इसने एक्स्ट्रा जगह थी तो इसमें इसने यूटिलाइज़ किया है कि यहाँ पे आप आराम से शॉप्स वगैरह बना सकें। ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज पे इसने डेकोरेट वगैरह सब का सामान रखा हुआ है, बनाया है बिल्कुल अच्छा सा। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, एक बेडरूम ये हो गया। ये नीचे आप आराम से आप एक घर 3 दुकानें आराम से। ये मास्टर बेड है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ भी वॉशरूम है, दिखाते तो बंद बड़ा वॉशरूम। चलो एक ये हो गया और एक ये गली का दरवाज़ा है जो एमरजेंसी आपको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये वॉशरूम है, जैसे आप पीछे घर रेंट पे देना चाहें तो यहाँ से भी आप स्पेशली दरवाज़ा इसने दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम अभी एक बेडरूम ये है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये ड्राइंग रूम आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम की तरह है ये, क्योंकि कमरे इसीलिए छोटे बनाए हैं कि यहाँ पे आप ये नीचे शॉप्स के चक्कर में ना इसने थोड़ा घर अपने हिसाब से बना लिया। तो देखते हैं अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर का गाड़ी चले ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ देख सकते हो आप, सीढ़ियों में भी अच्छा काम होगा क्योंकि अब रेंट पे देने के लिए ना मैंने तो यही सोचा कि रेंट पे आप जब रह रहे हो रेंट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा है कि आप किसी को रेंट देना चाहे तो वो आराम से फुल अपना सिक्योरिटी के हिसाब से, ऐसे नहीं खुले आम नहीं है। ये अभी आप देख सकते हैं एक ड्राइंग रूम भी हुआ है। ड्राइंग रूम का ऊपर जाके साइज़ बड़ा हो जाता है। ड्राइंग रूम के साथ साथ इसने एक वॉशरूम भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम दिया है। इसके साथ साथ अभी हम फिर टीवी लाउंज के अंदर आ गए। अब ऊपर के साइज़ थोड़ा बनिस्बत नीचे से बहुत बड़ा है। ऊपर भी किचन दिया हुआ है, ये आप किचन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक बेडरूम ये हो गया, ये मास्टर बेड की तरह मास्टर बेड ही है। और ये गली के अंदर वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा है, वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें,
एक बेडरूम ये भी हो गया, इसके साथ साथ ये भी वॉशरूम है। यहाँ देख सकते हैं वॉशरूम के साइज़ देख सकते हैं। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है ना, तो बहुत मुनासिब कीमत में ये दिया जा रहा है। डिमांड जो है इसकी 2.5 करोड़ पे ही है। तो देखते हैं जो आप ऑफर अच्छी आप देंगे तो इंशाल्लाह आपको ये डील हम करवा देंगे। ये वॉशिंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कमरा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे लास्ट वाला कमरा। ये एक बेडरूम आ गया। अब इसका जो वॉशरूम है ना, ये दोनों का वॉशरूम एक साथ दे दिया है। ये देख रहे हो, ड्राइंग रूम का और इसका वॉशरूम कॉमन हो जाएगा। और इसमें गैलरियाँ वगैरह भी दी हुई हैं ऊपर, यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल हवादार। ये लोकेशन, इस लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, क्योंकि यूटिलाइज़ किया है। लाजमी अब थोड़ा सा यूटिलाइज़ में थोड़ा मतलब आएगा, क्योंकि इसमें अलमारियाँ शलमारियाँ सब बनी हुई है। तो जिस भाई को चाहिए, नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया जा रहा है, उस पर आप ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह ये डील भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके अलावा इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय। यार मैं ऊपर की आप सॉरी यार वीडियो बनाना भूल गया। ये छत की बिल्कुल लोकेशन है इसकी, छत बहुत बड़ी छत है इसकी, आप आराम से अच्छी यूटिलाइज़ कर सकते हैं छत भी। और इसमें वॉशिंग एरिया वगैरह सब बनाया हुआ है, ये आपको वॉशिंग एरिया नज़र आ रहा होगा। सामने ये मस्जिद है, बिलाल मस्जिद है, बिलाल मस्जिद के बिल्कुल सामने ही ये घर है। सामने ये बिलाल मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, उसके साथ ही अभी स्कूल नया तैयार हो रहा है। तो ब्लॉक 1 भी शादी गार्डन का तकरीबन तैयार होना शुरू हो गया है। तो जिस भाई को चाहिए, हमारे नंबर इसके में दे जा रहे हैं, उससे ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।